Hello everyone, my name is Gaurav Budania. I have secured All India 13th rank in IAS 2020 exam. मैं यहाँ पे आज जो मेरी स्ट्रेटेजी है उसको शॉर्ट में शेयर करना चाहूँगा. सबसे पहले इस मेरी स्ट्रेटेजी के तीन ही मेन पिलर हैं. पहला है कि कॉन्फिडेंस, कि आपको अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हो. अपना जो प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड है उसको आप एक बार भूल जाइए और आप अपना पूरा एफर्ट डालिए अच्छी रैंक के लिए. दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा वो है अपना स्मार्ट स्टडी करना है हमें. उसमें रेगुलर रिविजन्स भी होने चाहिए, अच्छा कंटेंट भी होना चाहिए, अच्छी गाइडेंस भी होनी चाहिए. इसके लिए मैं आपको 5:2:1 का एक रेशियो बताना चाहूँगा कि यदि जो भी आप स्टडी कर रहे हैं तो इसके अंदर जो अपना 50% टाइम है वो आप जो अपना नई इंफॉर्मेशन गैदर करने में लगाइए. जब आप नई इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आपकी जो थिंकिंग है वो ब्रॉड होती जाती है, आपकी जो नए न्यूरो कनेक्शंस बनते जाते हैं जो ब्रेन की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं. तो आप अपना 50% टाइम किसी भी दिन का नई इंफॉर्मेशन गैदर करने में लगाइए. उसके बाद जो आपका 20% टाइम है उसको आपको लगाना है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने ली है उसको सिंप्लीफिकेशन में लगाना है. जब आपकी इंफॉर्मेशन जब सिंप्लीफाई करके आपने रख लिया लेकिन अब उसको रिटेन भी करना है, उसका रिविज़न भी करना है, उसको मेमोराइज़ भी करना है, उसके लिए भी आपको 20% ऑफ द टाइम जो आपने स्टडी कर रहे हो वो देना है. और जो लास्ट में 10% टाइम है उसको आपको आउटपुट में, मतलब टेस्ट सीरीज में, डिस्कशन में, इनमें रखना है ताकि जो आपने सीखा है उसको आप आउटपुट करने की पोजिशन में भी हो. इसलिए ये जो 5:2:1 का रेशियो है इसको आपको फॉलो करना चाहिए. तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है स्ट्रेटेजी का वो है कंसिस्टेंसी. आपको रेगुलर पढ़ना है. इस तरीके से नहीं करना कि एक दिन मैं 10 आवर पढ़ लिया, दूसरे दिन 15 और तीसरे दिन मैं पढ़ूँ नहीं. इससे अच्छा है कि आप यदि 6 आवर पढ़िए लेकिन उसको लगातार पढ़िए. इससे क्या होगा कि आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है माइंड का वो सेट हो जाएगा, तो उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है. इसके अलावा मेरी एक और एडवाइस रहेगी कि आपको जो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस पेपर्स की वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी. और जो यूपीएससी का जो टाइमिंग है उसी टाइम पे आप करने की कोशिश कीजिए. और जो टेस्ट सीरीज़ है उसके लिए जो चाणक्य एकेडमी है उनकी टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, इनकी मेंटरशिप भी काफ़ी अच्छी रही है. और जो AK मिश्रा सर हैं जो मोटिवेट करते हैं बच्चों को, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी सक्सेस के लिए. तो मैं चाणक्य एकेडमी को मेरी तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरी सक्सेस जर्नी में. थैंक यू चाणक्य टीम, थैंक यू. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.